बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आप भी व्हाट्सएप वेब के बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट्सएप वेब क्या है, हम इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हमजा शहीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल हमजा शहीन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत आसानी से अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जो डाटा मौजूद होता है उसे हम अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जो भी डाटा आपके व्हाट्सएप में मौजूद होता है, आप इसे आसानी से मोबाइल फोन की बजाय लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की मदद से आप अपने फ्रेंड तक पहुंचा सकते हैं। समटाइम दोस्तों ऐसा होता है कि आपके लैपटॉप में डाटा मौजूद होता है, पहले आप उसे अपने मोबाइल में कॉपी करते हैं, फिर आप सेंड करते हैं। तो अब व्हाट्सएप का जो वेब का जो फीचर है वो बहुत ही कमाल का है। आप उसकी मदद से जो लैपटॉप में डाटा मौजूद है आप इसे आसानी से सेंड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आप किस तरह अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर न्यू दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली मिल सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड, सबसे पहले आपने यहाँ पर न्यू टैब ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है व्हाट्सएप वेब। जैसे ही दोस्तों आपने व्हाट्सएप वेब टाइप किया और एंटर किया, इसके बाद फर्स्ट नंबर पर आपको व्हाट्सएप वेब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको नजर आएगी। तो इसको हमने ओपन करना है। दोस्तों, ओपन करने के बाद अब हम अपने मोबाइल फोन में जाएंगे और वहां से व्हाट्सएप वेब के ऑप्शन को ऑन करके क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो हमारा जो मोबाइल में व्हाट्सएप चल रहा है वो ऑटोमेटिक हमारे लैपटॉप में आ जाएगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं हम किस तरह इसे स्कैन करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपने थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको थर्ड नंबर पर व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन नजर आ रहा है और इस पर आपने करना है क्लिक। दोस्तों, व्हाट्सएप वेब को यहाँ से करें ओपन। ओपन करने के बाद अब आपने जो लैपटॉप स्क्रीन पर क्यूआर कोड, आपने उस QR कोड को स्कैन करना है। जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो WhatsApp का जो आपके मोबाइल में डाटा है वो सारा लैपटॉप में आपको दिखेगा। अब हम चलते हैं WhatsApp वेब में लैपटॉप पर और देखेंगे हम किस तरह उस QR कोड को स्कैन करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम QR कोड को स्कैन करेंगे, WhatsApp वेब को मोबाइल से ओपन किया और ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने QR कोड को स्कैन करना है। ओके दोस्तों, जैसे ही हमने QR कोड को स्कैन किया तो हमें इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और ये देखें हमारा जो सारा डाटा है वो लैपटॉप में नजर आने लगा। यहाँ से हम न्यू ग्रुप भी बना सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ से अपने लैपटॉप से अपने किसी दोस्त को भी व्हाट्सएप वीडियो, ऑडियो और इमेज सेंड कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह करेंगे दोस्तों, सिंपल यहाँ पर हमने किसी फ्रेंड को हमने यहाँ से दोस्तों हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का अटैच आइकन नजर आ रहा है, तो इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से देखें आप अगर वीडियो भेजना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स को भेजना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ से करता हूँ फोटो और वीडियो सिलेक्ट और यहाँ से मैं अपनी जो इमेज है वो करता हूँ अपने दोस्त को सेंड। तो ये देखें इमेज मैं अपने दोस्त को आसानी से सेंड कर सकता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।